मियां नवाज शरीफ साहब पे आज क्या गुजरी होगी जब सारा दिन टिकट चल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी मुलजिम मरकजी शख्सियत हुसैन नवाज पेश जीआईटी के सामने, वकील को अंदर जाने से रोक दिया गया, एम्बुलेंस बुलवा ली गई। ये बच्चे जो हैं ये बड़े शहजादे हैं, ये इन्होंने कभी ये कोई इन्होंने इनको पता भी नहीं गर्म पानी क्या होता है, तो बिजली कैसे जाती है, तो ये 16-16 घंटे की लोड शेडिंग क्या होती है। ये बड़े नाजुक से पले हुए बच्चे हैं, इन्होंने छोटी छोटी उम्रों में फ्लैट इनको मिल गए, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं। ये बने नहीं, इन्होंने कभी जिंदगी में मुसीबत इन्होंने इनको पता नहीं मुसीबत क्या होती है। जैसे इनको ये नहीं पता ना कि ये मेफर फ्लैट मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जेआईटी के सामने को ये नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। इन्होंने सारी जिंदगी बड़े बड़े गुप्पू गुप्पू से हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारी है। अब मसला यह है कि इनको आज इसीलिए अल्लाह ताला खैरियत रखे वहां पर शुगर कम हो गई, टेंशन हो गई, एम्बुलेंसेस पहुंच गए, हंगामा हो गया, मतलब है कि हेलीकॉप्टर शुगर लैंड नहीं कर गए वहां, क्या हो गया, खुद कुछ हुआ, बस क्या हुआ किसी को नहीं पता। बाद में मरियम औरंगजेब साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, वो हुसैन नवाज साहब तो ठीक थे, तो फिर एम्बुलेंस की सईद अहमद साहब की खराब हो गई, किसी की खराब हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच गई फौरन, बाकी लोगों के लिए नहीं जाती। ये मैंने कहा ना कि वो हुकूमत पीआईडी, अब तारिक शफी का क्या ताल्लुक है पीआईडी के साथ।